किस तरह से गाड़ी पलटी थी, अभी जो गाड़ी दिख रही है? देखिए, मछली अट्टा सब्जी मार्केट ठीक कदम कोने पर ये लोग जो है कि मान लीजिए दुकान के अंदर रहना चाहिए, तो दुकान से बाहर 2 फीट और धर कर ये लोग जाम कर देते हैं। दुकानदार सब्जी लगा देते हैं, टेबल लगा देते हैं, लोग आने जाने का बहुत कष्ट है। इस कारण से जो है कि टेम्पू उलट गया है। मान लीजिएगा कि देखिए, हम वीडियो बनाए हैं इसको, हैं अब वीडियो बनाओ अगर हम दिए हैं एकदम, उस कारण से कि मान लीजिए कि 2-4 आदमी घायल हो जाते हैं। हमेशा ये यही चीज़ है क्या कि हमेशा 2-4 दिन पर ये जो है कि टेम्पू लटता है हो जा। इसमें ना प्रशासन का देखभाल है, ना म्युनिसिपैलिटी का देखभाल है, हैं ना कोनो, मान लीजिए उनको तो खाली टैक्स चाहिए या एथी चाहिए। हैं अब आइए मंडी में आइए, कपड़ा मंडी में आइए, कपड़ा मंडी में आइए, अब देखिए कि प्रशासन खाली क्या चीज़ करता है, दारू पकड़ता है। प्रशासन दारू पकड़ता है, इसके अलावा देख नहीं पाता है कि क्या जाम है, क्या एथी है। हैं अब मान लीजिए कि दुकान से 2 फीट मान लीजिएगा कि जो है का कि ये सामने देखिए, सामने देखिए, आप वीडियो सामने आ रहा है, अब देखिए कि ये जाम हो जाता है, ना मोटरसाइकिल निकलता है, ना आदमी कोई निकलता है। हैं अब इस कारण से मान लीजिए कि अगर भीड़ भाड़ होके हैं केहू दब जाए या ऐसी हो जाए, हैं और मान लीजिए ना आने जाने का कोई का एक आदमी का रास्ता छूट रहा है, उसके बाद कहने पर ये लोग मार करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस कारण से विनती हमारे हैं कि प्रशासन से यही सहयोग चाहिए कि अपना अधिकारी से कि मान लीजिए कि कम से कम तो मार्केट में 2-4 पुलिस छोड़ें, भीड़ भाड़ इसको हटवाइए एकदम। हैं यही हमारा विनती है। अभी 2 बच्चे दब जाता तो इसीलिए मैं बड़ा घरेंस होते बस तो बच गया। हाँ बच गया एक्सीडेंट होने से एकदम। ये लोग है कि 2 फीट आउट धर के दुकान से हट कर दुकान जो है कि लोग बाहर लगाते हैं चारों तरफ। इस पर है म्युनिसिपैलिटी वाला ध्यान दें एकदम, अपना प्रशासन ध्यान दें एकदम कि भीड़ भाड़ जो है कि लोग रोड ना जाम करें। हैं यही हमारा विनती है। चलिए, आपका नाम? हमारा नाम है भरत प्रसाद सोनी, सुमन ज्वेलर्स।